नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीसीसीआई के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बीसीसीआई के फैसले को यहां लोग जो है वो अपने गले से उतारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों ने भी फैसले पर हैरानगी जता दी है, और क्रिकेट का राजनीतिकरण करने के आरोप लग रहे हैं। और बीसीसीआई ने भाजपा के दो नेताओं को जेकेसीए के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, और क्रिकेटर मिथुन मन्हास को भी 3 सदस्य समिति में यहां शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर से आप देखिए कि क्रिकेट के हवाले से किस तरह से खबरें जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों ने पूरी तरह से यहां पर हैरानगी जताई है कि आखिर बीसीसीआई ने जो ये फैसला लिया है वो किस वजह से लिया गया, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में किस तरह से सूरत हाल बनेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीसीसीआई के फैसले अब लोगों के गले में उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और क्रिकेट का राजनीतिकरण के लिए भी पूरी तरह से यहां आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए भी राजनीति की जा रही है, इसी तरह से अब आरोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लोग यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने भाजपा के दो नेताओं को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी मौजूद यहां पर कर दी है, उन्हें यहां सौंप दी है, और क्रिकेटर मिथुन मन्हास को भी 3 सदस्य समिति में शामिल किया गया है। तो अहम सवाल यहां पर यह है कि पहले ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया है कि किस तरह से वहां पर घोटाला जो है वो देखा गया था, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में उस वक्त यह पूरा घोटाला जो है वो सामने आया था। अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर मुकम्मल तरीके से जो फेरबदल किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं लोग जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मुकम्मल तरीके से सही से बनाया जाना चाहिए था, काम सही से होना ना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप देखिए कि किस तरह आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रूफ, क्या लगता है कि क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भी जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई है, लेकिन आरोप यह है कि अब यहां पर खेलों को लेकर भी राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि किस तरह से काम होना चाहिए था जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल आशा, क्योंकि अगर हम बात करें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि अब क्रिकेट एसोसिएशन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, और इस वाले से जो पहले लोग उसके साथ जुड़े हुए थे जिनको सियासी असर रसूख के बिना पर रखा गया था, अगर वो बॉडी फिर खत्म, उसको एबॉलिश भी किया गया था, फिर ऑनरेबल कोर्ट के पास मामला चला गया था, कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने मामला डायरेक्ट बीसीसीआई को दिया कि इसको बेहतर तरीके से इसके एसोसिएशन को चलाने के लिए अब बीसीसीआई जो है वो खुद दामाद उठाएगी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जो वो कहते ना, वो पुरानी शराब नए बोतलों में, ये वही मामला हो गया, क्योंकि आप सियासतदानों को दूर रखना चाहते थे, मगर क्या क्रिकेट की फरोग के लिए और इस एसोसिएशन को बेहतर चलाने के लिए क्या वो इकदाम उठाए जा रहे हैं जो उठाने चाहिए, जो लाजमी है? आप उन लोगों को फिर से जोड़ रहे हो, फिर से ला रहे हो जो सियासत के साथ, एक ही इसमें 3 जो नाम दिए गए हैं उसमें एक ही शख्स जो है मिथुन मन्हास का नाम जो है जो क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार लोग यही कह रहे हैं इस वाले से, जो क्रिकेट के शायकीन है, जो खिलाड़ी है, कि इस एसोसिएशन को चलाने के लिए उन लोगों को आगे करना चाहिए जो क्रिकेट के साथ इनकी वाबस्तगी हो, जिनको सपोर्ट के साथ वाबस्तगी हो, सियासतदानों को इससे दूर रखना चाहिए। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की टेन्योर की बात करें, यही सब कुछ सामने आया, फिर जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, फिर भी एक मंत्री को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और फिर मामला वही है कि असर रसूख के बिना पे सब कुछ हो रहा है, और आज अब जब उम्मीद थी कि शायद बीसीसीआई उन लोगों को अब अपॉइंट करेगी जिनका नाता स्पोर्ट्स के साथ है, जो क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो जिनको वापस की है इस खेल के साथ, और जो इस सपोर्ट एसोसिएशन को चला सकते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से अब ये बड़ा आदेश दिया गया है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं राजनीतिक लोगों के जिम्मे, दिखाया गया है कि किस तरह से वो संभालेंगे, लेकिन सवाल यहां पर ये है रूफ कि एक तरफ घोटाले सामने आते हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार सुर्खियां जो है वो बटोरता हुआ नजर आया था, अभी उसमें भी मुकम्मल तरीके से कार्यवाही जो है वो अंजाम में नहीं लाई गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर इसी तरह से बीसीसीआई की तरफ से एक बार फिर से फैसला सुनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर यहां पर सवाल जो है वो देखने को मिलता है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार कहां कम होगा, घोटाले कहां कम होंगे, और आम जो युवा है उन्हें कितना फायदा यहां पर एसोसिएशन का मिलेगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि आप तो बार बार बात कर रहे हैं घोटाले की, जो कुछ पास्ट में हमने देखा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ क्या हुआ, मगर आज जो फैसला आया क्या माजी को फिर से दोहराया गया है, वही माजी के फैसले फिर से लिए गए हैं। आपको यही कहा गया था कि सियासतदानों को इस एसोसिएशन से दूर रखो, तभी यह बेहतर तरीके से चल सकती है, तभी यहाँ के जो इस खेल के साथ मुंसलिक नौजवान है उनको फायदा मिल सकता है। मगर सियासतदानों का क्रिकेट एसोसिएशन के साथ क्या वाबस्तगी है? आज जब अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है तो ऐसा लग रहा था कि शायद बीसीसीआई की तरफ से फैसला आ जाएगा, जो क्रिकेट के साथ मुंसलिक लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको इसके साथ जोड़ा जाएगा, मगर फिर वही फैसला जहां पे सियासतदानों को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से मायूसी छाई हुई है यहाँ के जो इस एसोसिएशन के साथ मुंसलिक लोग हैं जो क्रिकेट के साथ वाबस्ती रखते हैं, उन्हें कहा कि फिर से वही फैसला दोहराया गया है जिससे सियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही थी क्रिकेट एसोसिएशन को, मगर फिर उसको दोबारा से सियासत के साथ ही जोड़ा गया है, धकेला गया है उसी माजी में, जो माजी जो है तारीखी माजी रही है इस क्रिकेट एसोसिएशन की, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई बड़ा काम नहीं अभी तक नहीं किया है, यहाँ खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए वो कोशिश नहीं की गई है, यहाँ स्टेडियम या टर्फ बनाने के लिए वो कोशिश नहीं की गई है, इस स्पोर्ट्स को हम कह सकते हैं मुख्तलिफ जगह पहुंचाने के लिए कोई खास काम नहीं हुआ है। अब उम्मीद थी, मगर अब ये फैसला के अंदर, एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अगर एक मिसाल तौर पर बात की जाए, एक मेडिकल स्टूडेंट को आर्ट्स का पेपर दे दिया जाए तो वो किस तरह से क्वालिफाई करेगा, या फिर आर्ट्स के बच्चे को मेडिकल का पेपर दे दिया जाए तो किस तरह से क्वालिफाई करेगा, तो इस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी था बीसीसीआई को कि आखिर किस तरह से काम करना है, क्योंकि बीसीसीआई का ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा था, और अब अगर इस तरह से भाजपा के कुछ नुमाइंदे इसमें डाले गए हैं तो जाहिर तरीके से अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में किस तरह से काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रूफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से हालात अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं उसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से दूर रखा जाएगा, लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, जो आदेश देखा गया है उसमें यहां पर भाजपा के नुमाइंदों को डाल दिया गया है, मिथुन मन्हास का नाम दिया गया है, लेकिन इसी तरह से और भी कुछ ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए थे जिनका नाम चिन्हित किया जाना चाहिए था। चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं, और सांबा से आज अच्छी खबर और राहत भरी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पुरानी मांग आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। जिला सांबा में 18 प्लस के लिए जो वैक्सीनेशन है उसका आगाज कर दिया गया है, लंबे इंतजार के बाद लोगों को लगने जा रहा है ये उम्मीदों का टीका, और जिले में 11 वैक्सीनेशन सेंटर की यहाँ प्रशासन ने मुकम्मल तरीके से व्यवस्था की है, और हाई रिस्क ग्रुप को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जा रही है, यानी सबसे पहले ये वैक्सीनेशन का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं या फिर मुकम्मल तरीके से इस वक्त रिस्क में उन्हें देखा जा रहा है, उनके लिए ये सबसे पहले टीका जो है वो लाया गया है, और जिला सांबा में 18 से 44 वायु वर्ग की वैक्सीनेशन का यहां आगाज हो चुका है, और लंबे इंतजार के बाद आज जिला सांबा के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी समय से लोग यहां पर ये मांग कर रहे थे कि आखिर 18 प्लस के लिए कब से वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू होगा, स्लॉट बुकिंग कब से होगी, रजिस्ट्रेशन बुकिंग कब होगी, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लंबे इंतजार के बाद आज जिला सांबा के अंदर एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, एसओपीज का पूरी तरह से पालन तो किया जा रहा है, जितनी भी अभी तक जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहां पर एसओपीज का पालन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि दूरदराज के इलाकों के अंदर भी वैक्सीनेशन शुरू की गई है या नहीं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से अलग अलग यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, 11 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर इस वक्त तक क्या कुछ है सूरत हाल? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आज जिला सांबा में ये आगाज हो चुका है, जो 18 से 44 साल तक के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुकी है, और एक लंबा इंतजार उन्होंने किया कि आखिर कब ये वैक्सीनेशन होगी, तो फाइनली आज ये प्रोसेस हो चुका है। मैं इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूँ, और यहाँ जो लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है 18 से 44 साल तक के कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवाई है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक किया है, और स्लॉट बुक जो किया है वो सुबह 9 बजे स्लॉट जो ओपन हुआ था, और आधे घंटे में ही 100 स्लॉट
बुक हो चुके हैं और एक दिन में 100 लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। ये तो हो गई जिला अस्पताल सांबा की बात, और दीगर जितने भी अस्पताल है जिला सांबा में वहां पर इसी तरह से ऑनलाइन बुकिंग के हिसाब से ही वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से 44 साल तक के लोगों को। लेकिन इसी के साथ साथ ज्यादा तवज्जो दी गई है जो हाई रिस्क ग्रुप वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, जिसमें दुकानदार आते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं या दीगर कोई भी अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग ज्यादा रहती है, उनके लिए जिला सांबा में 11 अलग अलग जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो बनाए गए हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं जो विजुअल्स आप चला रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि लगातार उन सेंटर्स पर भी काफी लोग जो वो पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और यही एक मकसद था कि जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीनेशन मिल जाए। और आपको बता दें कि SOPs का पालन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही, किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही और इजिली तरीके से यहाँ पर हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर 11 बनाए गए हैं, उन सभी 11 में सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क वाले लोगों को ही अभी वैक्सीनेट किया जा रहा है या फिर आम लोगों को भी, या ये ऐसा है कि आम लोगों के लिए बुकिंग खुली हुई है लेकिन वैक्सीनेट हाई रिस्क वालों को किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा, जो 11 सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर हाई रिस्क कैटेगरी है उन्हीं को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो जिला सांबा के अलग अलग इलाकों में बनाए गए, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस विजयपुर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बड़ी ब्राह्मणा सांबा, फिर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घगवाल, यहां पर सिर्फ हाई रिस्क वालों को किया जा रहा है। जनरल पब्लिक की अगर बात करें तो उनको अस्पतालों में ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, मेरे साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, मैं उनसे भी जानूंगा। आप यहां पर आए जो हमें सवाल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर अस्पताल में वैक्सीनेट किया जा रहा है जनरल पब्लिक को, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग जिस तरह से की गई उन्हीं को किया जा रहा है? हाँ सर, मतलब यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, वरना सिस्टमेटिक बेस से है कि जिस हॉस्पिटल में जो है 18 से 44 लोगों को किया गया है उनको वही किया जाएगा। और यहाँ से आई थिंक आधे घंटे में भी 16 को बुक करवाया है, और हमारे पास जितने भी लोग जिनकी ऑलरेडी प्री रजिस्ट्रेशन हुई है वही लोग आ रहे हैं और 18 से 44। और ऋषि सवाल कीजिए कि जो दूरदराज के इलाके हैं, कंडी क्षेत्र हैं, वहां पर कब तक वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को, या फिर यही वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं यहां पर उन्हें पहुंचना है? दूरदराज इलाकों में किस तरह से वैक्सीनेट किया जा रहा है, या उनको भी यही अस्पतालों का ही रुख करना है, उनके लिए किस तरह से अलग कोई क्राइटेरिया बनाया गया? जितने भी जगह हैं, जो ब्लॉक्स हैं उसके हर वीडियो लेवल पे, सीएससी लेवल पे हर जगह वैक्सीनेशन की जा रही है। ठीक है, कुछ स्वास्थ्य पे रखा हुआ है कि 18 से 44 जो है वो जनरल पब्लिक के लिए रखा हुआ है, कुछ जो है वो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे ढाबे वाले, दुकानदार हो गए, इन लोगों को रखा गया है ताकि हर बंदे को जो है वो घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और वहीं घर के पास उसको स्लॉट मिल जाए, बाकी चाहे सोचिए हाँ स्लॉट मिलेगा लोग बुक करवा लेते हैं अपने आप। अच्छा, आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 100 स्लॉट एक दिन में अवेलेबल है, यानी 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा एक सेंटर में, इस अस्पताल में भी 100 लोगों को किया जाएगा, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट कर? अभी मेरे पास फिक्र है 65 लोगों को हो चुका है और बाकी लोग जो है वो आस्ते आस्ते आ रहे हैं और अपने टाइम के हिसाब से आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बड़े सिस्टमेटिक वे से आ रहे हैं, उससे हमारे लिए भी ठीक रहता है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे और लोगों को अच्छी तरह से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो समय 10 से 4 बजे तक का रखा है उससे पहले ही मुझे लगता है ये कवर हो, हमारी कोशिश रहेगी 3 बजे तक कवर हो जाए। और इसी सवाल अहम ये है कि जिस तरह से हर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां पर वैक्सीनेशन देने के लिए जो स्टाफ मौजूद है वो हर वक्त 10 लोगों के लिए डिमांड करता है कि जब तक 10 लोग यहां पर इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं खोला जाएगा, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मैं थोड़ी देर पहले एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था तो वहां पर जो 10 लोग थे वो जब एक एक करके वहां पर पहुंच रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप लोग इनको वैक्सीनेट कर दीजिए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 10 लोग इकट्ठे होने दीजिए क्योंकि जो इंजेक्शन है, जो आपका शॉट है वो 10 लोगों को किया जाएगा, क्योंकि अगर लोग नहीं आते हैं तो वो जो आपकी वैक्सीनेशन है वो खराब हो सकती है क्योंकि उसको काफी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा होता है, तो इसलिए हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी आया है 10 मिनट के बाद आएगा तो वो दवाई जो वो आपकी खराब हो जाएगी, इसलिए रिस्क ना लिया जाए इसी को लेकर जो ये चीज कदम उठाया गया। इसी सवाल पर भ्रांतियां बहुत ज्यादा थी ऋषि, क्योंकि हर एक वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर 10 लोगों का इंतजार क्यों किया जा रहा है, तो जाहिर तरीके से ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है कि ये आपकी भलाई के लिए है और आपकी भलाई के लिए ही 10 का स्लॉट जो है वो खोला जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं कि हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमें वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा, तो जब तक 10 लोग भी हो जाते तब तक वो मुझे लगता है कि वो इंजेक्शन खोलना काफी रिस्क रहता है। कई बार ऐसा होता है, हर बार होगा, जैसे ये लोग जो है अभी हमारे पास जो रजिस्टर करके आ रहे हैं इजिली 10 लोग हमें अवेलेबल होते हैं, बट कई बार मैंने देखा है कि वैक्सीन को बचाना पड़ेगा,
इस वैक्सीन को हम वेस्ट नहीं कर सकते सर, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा लोगों को वेट करना पड़ेगा तो लोगों को खुशी से करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए ताकि हमारी वैक्सीन वेस्ट ना हो, वेस्ट ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी मुशक्कतें हमें करनी पड़ी है। और कई इलाकों में जब वैक्सीनेशन पहुंची थी तो कई जगहों पर वेस्टेज की खबरें भी आई थी कि वैक्सीनेशन वहां पर इतनी दी गई, इतनी वेस्ट है कि जितने भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर पहुंच रहे हैं उन्हें कॉपरेट करना बहुत जरूरी है, कि सहयोग देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल जी ऋषि जी की जो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। मैं टेक्निकली इनसे भी जानूंगा क्योंकि ये लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आपका मैं जानना चाहूंगा, जब लोग यहाँ पर 10 आ जाते हैं तो 10 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है एक ही बार में, लेकिन अगर लोग इंतजार नहीं कर पा रहे तो उनको किस तरह से आप समझा रहे हैं कि वो लोग आप ये कह सकते हैं कि बड़े ऐसे स्वभाव के होते हैं कि वो कहते हैं हमें जल्दी करिए जल्दी, उस समय किस तरह से आप मैनेज? सर वो जल्दी के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक एक ही लगानी है, थोड़ा वेट करो, फिर हम वो मान जाते हैं, हम प्यार से मना लेते हैं उनको, लोगों को लड़ते तो हमें बिल्कुल बोल देते हैं कि आप बैठो वो सभी को लगाएंगे, एक ही बार थोड़ी लगेगी। कई वीडियोस भी वायरल हुई थी ऋषि, और कई लोगों ने इस तरह से आरोप भी लगाया था कि वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये जानकारी साझा करना बहुत जरूरी था। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कल भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि वहां पर कुछ जो स्टाफ मेंबर थे वो इसी तरह से बैठे हुए थे, और जब एक दो व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीनेशन लगाइए, उन्होंने नहीं लगाई, और उनका उल्टा जो वो ये ब्लेम किया जा रहा था कि आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, आप लोग हमें वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जब ये जवाब आया कि इंजेक्शन को जब खोल दिया जाता है तो फिर वो 10 लोगों को लगाना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, नहीं तो वैक्सीनेशन आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह की तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये लोगों को बदनाम करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जब एक चीज को आप अपलोड कर देते हैं तो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि गलत संदेश भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप टीकाकरण के लिए आते हैं तो जब 10 लोग वहां पर बहुत बड़ा धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि ऋषि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर का पूरा नजारा हमें दिखाया है। गुलिस्तान चैनल ने आपको बताया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन के जो 10 डोजेज यहां पर एक साथ खोली जा रही हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, और आखिर 10 लोगों का इंतजार क्यों किया जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हर कोई यहां पर दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्यों यहां इंतजार किया जा रहा है कि आखिर 10 लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार खबरें जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है कि 10 लोगों का इंतजार क्यों करना है, यहां पर जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं एक एक करके टीका क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो आम लोगों को जागरूक होना और अपना सहयोग देना बहुत जरूरी है। इस वक्त यहां पर जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसे दूर करने की जरूरत है, और हर किसी को अपना सहयोग जो है वो स्वास्थ्य के लोगों के साथ देने की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे, और राजौरी से भी आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से राजौरी से सुर्खियां बटोरती हुई खबर जो है वो सामने आई है। कोरोना के दौर में राजौरी में फिर से लापरवाह हो गए हैं लोग, और बाजारों में बिना मास्क के यहां भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, और मंगलवार को कोरोना संक्रमितों से भी ज्यादा यहां मामले जो है वो देखने को मिले हैं, यानी मंगलवार के जो कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं वो अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा देखा गया है, और जिले में अभी भी 400 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, और जिला राजौरी के अंदर से पहले सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा भी देखा गया, और उसके साथ ही अब जब बाजार खुल गए हैं तो लोग किस तरह से बेपरवाह हो गए हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से राजौरी के अंदर बाजारों में लोग रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता समझदारी दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देखिए बिल्कुल भी एसओपीज का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिला राजौरी के अंदर एसओपीज की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, और जिला राजौरी के अंदर प्रशासन को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए जो मास्क लोगों ने पहने हुए हैं वो भी सही तरीके से नहीं पहने हुए, और इक्का दुक्का लोगों ने ही यहां पर मास्क जो है वो पहना हुआ है। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि क्या यहां पर इस युवक ने और इस पुरुष ने मास्क पहना है, क्या यहां पर महिलाओं ने मास्क पहना है, आखिर क्यों एसओपीज का पालन नहीं कराया जा रहा, यह देखने वाली बात है। कहां पर जिला राजौरी की पुलिस है, कहां पर प्रशासन है, यह बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, एक तरफ लोगों की सहूलियत के लिए बाजारों को खोल दिया गया, लेकिन एसओपीज की धज्जियां शरेआम वहां पर उड़ती हुई नजर आ रही है, आखिर पुलिस विभाग काम क्यों नहीं कर रहा? जिगुर जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि आज भी राजौरी आर्ड इवन में खोला जाता है मगर एसओपी की धज्जियां उड़ाते लोग आज भी बड़े पैमाने पर
नजर आते हैं, जहां मार्केट में आज भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर राजौरी की हम बात करें, कोविड 19 के केसों में दोबारा एक बार इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कुछ दिनों से 25 से 30 पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे, वहीं तो पिछले 24 घंटे में 49 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और इस तरह मरने वालों का आंकड़ा जो राजौरी में 207 तक पहुंच चुका है। मगर हालांकि प्रशासन की तरफ से ढील जरूर दी गई थी, मगर लापरवाही करते लोग बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। लेकिन जमशेद, यहां पर जिस तरह से ढील दी गई है लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन सरेआम बाजार में एसओपीज की धज्जियां उड़ाना ये कहां तक जायज था, और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस से भी हमारी बात हुई और पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी आज हमने होते हुए देखी है, मगर उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कि बार बार हम प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस तरह गाइडलाइन दी गई है उस पर अमल करें, मगर ऐसा नजर नहीं अभी भी आ रहा है। हालांकि जिस तरह फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि राजौरी में कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है, मगर उसके बावजूद लोगों की लापरवाही जो है वो किसी बड़े खतरे को, आखिर आम जनता सहयोग देती हुई नजर क्यों नहीं आ रही, क्यों अपना सहयोग नहीं दे रही है वो प्रशासन को? बिल्कुल, अगर ये कहें कि राजौरी मार्केट का जो कारोबार है वो गांव के लोगों पर ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा लोग गांव के लोग जो हैं वो मार्केट का रुख करते हैं, मगर आज भी वो लोग लापरवाह देखने को मिलते हैं। हालांकि बार बार प्रशासन की तरफ से इन लोगों से अपील की जाती है, मगर इससे एक बात लगती है, या तो इन लोगों को जागरूक नहीं किया गया या लोग ये लापरवाही करते हैं, दोनों चीजों में से एक चीज है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आज भी बड़े पैमाने पर लोगों के चालान किए जा रहे थे, मगर उसके बावजूद भी लापरवाही के जो मंजर है वो मार्केट में खुलेआम देखने को मिले। सवाल यहाँ पर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा, सबने देखा, ग्रामीण क्षेत्रों से ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, और इस तरह से ढील बरतना कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। जी गुरुजी बिल्कुल, अगर दूसरी वेव की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले जो हैं ग्रामीण इलाकों से सामने आए, जिसमें राजौरी भी उसमें शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले ग्रामीण इलाकों से सामने आए, हालांकि शहरी आबादी से बहुत कम मामले सामने आए और सबसे ज्यादा मौतें जो हुई है वो भी ग्रामीण इलाकों में होंगे। मगर उसके बावजूद भी लापरवाही के जो मामले हैं वो थमने का राजौरी में नाम नहीं ले रहे हो, जिस तरह पहले ही कहा जा रहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, जिस तरह के हालात हैं लोग ये वेलकम कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि तीसरी वेव का, क्योंकि आज भी ये लापरवाही के बड़े मामले राजौरी में देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन लोगों ने बात तो हमसे नहीं की, मगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर पुलिस की तरफ से भी आज हमने देखा एडिशनल एसपी डीएसपी हेडक्वार्टर और पुलिस के कुछ स्टाफ के लोग थे जो बाजार में कार्रवाई कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी लोग जो हैं लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहे इनसे और लगातार ये लोग लापरवाही। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक राजौरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात जिला राजौरी के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर साफ आप देखिए किस तरह से एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए लोग यहां पर देखे जा रहे हैं। आम लोगों को सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमशेद पूरी तरह से बात करते हुए नजर आए हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पर डटा हुआ है, अमला वहां पर मौजूद है, लेकिन लोग सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब सवाल यहां पर यह है कि आम जनता आखिर सहयोग क्यों नहीं रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का बाजार की तरफ आना शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही दूसरी लहर में ज्यादा तरीके से लोग चपेट में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, जीएमसी के हवाले से भी बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बताना बहुत जरूरी है कि जीएमसी जम्मू के अंदर यहां पॉजिटिविटी रेट बेहद कम हो गया है और करीब 40% से 6% तक यहां पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां बरतने की कोशिश जो है वो अगर हो रही थी उसे ना बरतने की अपील में यहां दिखाया गया है। स्वास्थ्य विभाग यहां अपील करता हुआ नजर आ रहा है आम लोगों से कि बिल्कुल भी यहां मुकम्मल तरीके से ढील मत बरतिए, लापरवाही मत कीजिए और आने वाले समय में चौंकाने वाला यहां मुकम्मल तरीके से हालात जो है वो देखने को मिल सकते हैं, मंजर मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चौंकाना रहने की भी पूरी तरह से अपील की जा रही है कि अगर केसेस कम हो गए हैं तो आम लोगों को यह नहीं सोचना है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है, यह अपने पैर पसार सकता है, चेन बन सकती है, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जीएमसी जम्मू में पॉजिटिविटी रेट अब बिल्कुल कम होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 40% से अब पॉजिटिविटी रेट 6% पर पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ना बरतने की यहां पर अपील जो है वो की गई है और आने वाले समय में चौकन्ना रहने के लिए भी आह्वान किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है यहां पर डॉक्टर शशि सुदन का, जो कि जीएमसी के प्रिंसिपल हैं और उसके साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो दिखा देते हैं। कुछ कम हो रहे हैं वार्ड मरीज कम, जैसे हमारी डायरेक्ट वॉक इन फ्लू ओपीडी है वहां पे काफी संख्या कम हुई है और एक टाइम था जब हमारी 30 से 35% पॉजिटिविटी
पीक जो सेकंड वेव कोविड की थी उसमें 30% तक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई थी। सो यानी अगर हम सैंपल टेस्ट करते थे तो 30-35% पॉजिटिविटी थे, तो आजकल हम देखते हैं कि ये पॉजिटिविटी परसेंटेज बहुत कम हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा खासा डिक्लाइन है पैंडमिक का। लेकिन वायरस को हम लाइटली कभी नहीं ले सकते, जैसा इसका पिछला व्यवहार भी रहा कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में बहुत फ़र्क था। फर्स्ट वेव बहुत कम मॉर्टेलिटी थी, ज़्यादा बूढ़े और बीमार लोगों पे अटैक हुआ था। सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा यूथ पे भी अटैक हुआ, यूथ में डेथ्स भी हुई और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन परिवारों के परिवार इकट्ठे इससे ग्रसित हुए और काफ़ी ब्रॉड डेड भी लाए गए। तो ये और आने वाला वायरल म्यूटेंट कैसा होगा इसके बारे में कुछ प्रडिक्ट कर नहीं सकते हैं। तो बहुत प्रकार की प्रडिक्शंस भी चल रही हैं और इसमें ऐसा भी सोच रहे हैं कि लेस देन 20 ईयर्स जिनके और जिनको अभी वैक्सीन इसमें नहीं लाया गया अपनी प्रोग्राम्स में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो जाए या फिर जो प्रेगनेंट वुमेन है कहीं वो ना टारगेट हो जाए। तो उसके लिए पूरी पब्लिक का मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को फरियाद करती हूँ कि वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, एकदम नोटिस करना है कहीं क्लस्टर हो जाए। लॉकडाउन की वजह से थोड़े इम्प्रूवमेंट हुई है, बाकी पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। हमारे पास कुछ 40-50 केस आते हैं जिसमें से 1-2 के 3 पॉजिटिव निकल रहे हैं अभी। जो पहले पीक था तब हमारे पास 150-150 एक एक शिफ्ट में आते थे केस, तो उसमें से 30-40 पॉजिटिव निकलते थे। अभी जो है 2-3 पॉजिटिव निकलते हैं दिन के, पूरे दिन में 6-7 पॉजिटिव निकल रहे हैं। बस लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन तो दे रही है उसको फॉलो करना है और अपने बिना मतलब से घर से बाहर नहीं निकलना है। चलिए, तो आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के लोग भी यहां पर चौकन्ना रहने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का सहयोग देना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आम जनता सहयोग नहीं देगी तब तक कोरोना से पार नहीं पाया जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।